हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं? कहाँ से? जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? किस किस्म की डायरेक्शन चाहते हैं आप? आप कितना डायरेक्शन में कौन सा मेरा प्रोग्राम देखना चाहते हैं? आप करोड़ों रुपए जमा करना चाहते हैं, या लाखों रुपए, या हजारों रुपए? कोई, मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आप इजीली। हाँ जी, नहीं करोड़ों में लें ना, क्यों लाखों में करते हैं? तो कोई बात नहीं, थोड़ी लगा लें, थोड़ी कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें करोड़ों रुपए। अगर आप करोड़, अगर आप एक एकड़ से, मैं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, एक एकड़ से अगर आप एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप 19 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा अगर आप कमा लें, और इतना ज्यादा तगोदो भी ना करनी पड़े आपको। हाँ, तो आपने कहा मैंने आपके प्रोग्राम बहुत देखे हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही आपको। मेरी जान, डायरेक्शन हर चीज के में मिलेगी। मैंने लोगों को, बकरियों को जब शुरू किया तो हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोगों ने बकरियां शुरू कर दी हैं। पोल्ट्री की मैंने जब प्रोग्राम्स दिए हैं, पोल्ट्री की दुनिया का आ गई। बायोगैस का पहला प्लांट मैंने प्रोग्राम किया था, बायोगैस के प्लांट से प्लांट शुरू हो गए। अब मैं ये बता, मेरी जान, आप इस तरह करें, अगर आप एक करोड़ जो है ना, उससे ज्यादा साल में, अगर 10 साल बाद राइप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है एक सागवान का दरख्त, वो 10 साल में जब हो जाता है, तो वो एक दरख्त 20 क्यूबिक फीट वो आपको लकड़ी देता है। और आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप पहले अपनी आवाज ठीक कर लें, फिर मुझे फोन करें, ठीक है? आपकी आवाज ही नहीं, मैं सही नहीं आ रही ना, मैं नहीं, वो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप ठीक आई है, लेकिन पता नहीं आप क्या कर रहे थे। अच्छा, इसलिए लाउड स्पीकर। तो फिर नहीं, कोई बात नहीं, आप भले, आप मेरी बात सुने, आप लाउड स्पीकर से सुने। मैं जिस तरह भी मेरी इसकी क्वालिटी हुई, वो मैं चढ़ा दूंगा। फिर आप स्पीकर से जितना मर्जी है लगा के सुन ले। बिल्कुल होगा, दौड़ेगा। नो नो वे, ठंडे इलाके में वो आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे, वो है जाफरान। जाफरान ठंडे इलाके में कहा था, ये ठंडे इलाके का नहीं है, ये तो है ही गर्म इलाके का। नहीं, मेरी जान, सागवान अगर मुल्तान में हो सकता है, अगर वहां जतोई में हो सकता है, तो आपके क्यों नहीं हो सकता? आपकी जमीन भी अच्छी है, आपका इलाका भी बड़ा अच्छा है, और शाहकोट। नो नो, ये ट्रॉपिकल
रीजन का है, और ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि खिता वो उसको कहते हैं हारा, हार कहते हैं अरबी में, हार कहते हैं गर्म को, ये गर्म इलाके का है जी। तो इसमें मेरी जान आप अगर आप लगा लेंगे 10 बाई 10 फुट के फासले पे, तो 450 ये पौधे लगेंगे एक एकड़ में, और चार अगर आप 8 बाई 10 जी। हेलो, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इसके लिए आप कौन सी किस्म रिकमेंड करेंगे? वो आजकल जो अवेलेबल है वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड मिल रहे हैं, मैंने आपको टेलीफोन नंबर दिया है, उनका कांटेक्ट कर लें, उनसे पूछ लें। चलो ठीक है, जिसका आपने दिया था राणा साहब ना मेरे साथ पूछ। हाँ वही है बात आपकी राणा तौसीफ से? नहीं नहीं मैंने की नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करके ही पूछूंगा कि मुझे वेदर का या इधर माहौल का तो इशू नहीं बनेगा। नहीं नहीं कोई में इशू नहीं बनेगा, इट्स एन एक्सीलेंट, आप वो लगाएं बिस्मिल्लाह करें, और इतना ज्यादा मैंने बता रखा है, और दोनों कैलकुलेट किए थे मैंने, एक 19 करोड़ 80 लाख रुपया बनता है अगर 550 पौधे लगे एक एकड़ पे 8 बाई 10 फुट के फासले पे, अगर 10 बाई 10 के पे रखते हैं तो फिर आपको 16 करोड़ 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। नहीं नहीं 500 रुपया, पांच सौ रुपये आराम से इतनी इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं ना। इतनी तो आराम से कर सकता, मैं तो सोचता था कि डॉक्टर को कहूंगा कि 8-10 लाख तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। नहीं तो कहें आराम से, वो जाफरान जो ठंडे इलाके वाले हैं वो वाकई एक सीड 200 रुपए का है, और वो आपको थोड़े रकबे में बहुत ज्यादा, लेकिन वो आपके लिए स्पेशल मैंने आइडेंटिफाई करके प्रोग्राम्स मेरे जाफरान पे जब देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पे ये आप ग्रो कर सकते हैं, और ये तो आप आराम से हर जगह पाकिस्तान के किसी इलाके में, गर्म से गर्म इलाके में भी आप कर सकते हैं जनाब ये सागवान। बिस्मिल्लाह, नहीं और भी देखें मेरी बात सुने, अगर आपका शौक कोई और है, अगर फर्ज करें ये तो मैं इसलिए लोगों को ये बताता हूं कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके, तो इतने ज्यादा उनको देखभाल ना ज्यादा करनी पड़े और ये दरख्त बढ़ते रहें, और अगर आप और बहुत सारी राय हैं लाइव स्टॉक में जाना चाहें, अगर आप पोल्ट्री साइड पे जाना चाहें और वो अलग है, और इसी तरह गोट फार्मिंग पे, शीप फार्मिंग पे, और इस तो वो जो है पोल्ट्री वगैरह के वो इसमें रिस्क भी ज्यादा, और मेरा भी नहीं इंटरेस्ट लाइफ स्टाइल या सेक्टर या मतलब फसलों की काश या बागात या जंगल वगैरह, इसमें तो इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जिसमें मेरा मतलब माइंड बनता है कि इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी फिर उसी में बंदा इन्वेस्ट करता है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि साथ साथ सागवान भी लगे रहे और हो गया जी, एक आइडिया तो जी आपने दे दिया मुझे, तो जो अगर मैं लाइफ स्टाइल में जाता हूँ तो सबसे ज्यादा नहीं तो मुझे बताइए, आपसे भी पूछ लेता हूँ कि जो गबन रोटियां लेते हैं 2-3 माह की, उसको तैयार करके सेल कर देते, कैसे उसकी एवरेज ज्यादा है इनकम? ये डिपेंड करता है कि कितन कौन सी ब्रीड, अच्छी ब्रीड की जोटियां मिल जाएं तो वो अगर करें वो भी फायदे वाली हैं, और अगर गाय पे चले जाएं ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ हाइफर, हेफर्स की बात कर रहा हूँ ना, आप पूरी मेरी बात सुन लेना, आप असल में ऊंचा सुनते हैं, अब आप तो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं ना, आप लाउड स्पीकर लगा रहे हैं प्लीज, आप लाउड स्पीकर लगा लें, मेरे में मेरी बात सुनते जाएं। लाउड स्पीकर लगा लिए? नहीं मैं अभी कर लेता हूं, अब कर लिए। हाँ लगाएं, बिस्मिल्लाह करें, लाउड स्पीकर लगा के आप सुने मेरी बात, अगर आपने हेफर्स की करनी है तो बेहतरीन जो है, जो अगर पैसा कमाना है
क्रासिस ले इसके सहीवाल और फ्रीजन के, क्रासिस में वो हेफर्स लाके उनको पालें, उनसे भी बड़ा फायदा है। ठीक है, नंबर दो जर्सी और साहीवाल के क्रासेस, ये गाय में। और भैंस का नीली रावी तो है ही है, नीली रावी की अगर आपको मिल जाती हैं जोटियां और वो भी पालें, वो भी है। अगर उसमें सीड आपको मिल जाए इसका मुड़ा का, इंडिया वाला इंडियन मुड़ा, मुड़ा की क्रासेस करके, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, जो सहीवाल और फ्रीजन की क्रासेस जो हाइबर है वो कितने की मिलेगी और कहाँ से मुनासिब कीमत में मिलेगी? जी ये आप शाहकोट से बोल रहे हैं ना? जी आपके करीब ही उधर चले जाए ना, अभी तो कोरोना की वजह से निकल ही नहीं सकते, जब निकलेंगे ना तो आप चले जाए साहीवाल उकाड़ा उस साइड पे, और उधर या इधर दूसरी साइड पे जाएंगे ना आप अपने मल्लू मोड़ पे, ये जांग की तरफ, वहां बहुत बड़ी मंडी लगती है मवेशियों की। हाँ, वहां मंडियां बहुत सारी जगह पे अच्छी मंडियां लगती हैं, उन मंडियों में कांटेक्ट करें उनसे और वहां से लेके आए, वहां से हर चीज मिल जाएगी। ठीक है जी सर, बड़ी मेहरबानी। ओके, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मौकूफ हो जाता है, मगर तीन चीज़ों का सवाब जारी रहता है। नंबर एक सदक़ाए जारिया, नंबर दो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, नंबर तीन नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। दुआओं में याद रखें फीमल्ला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।